हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे, फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, मैं हूँ विनोद सर और मैं आप सभी लोग का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम पे हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 41 शुरुआत किया था, जहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूब ये फाइंड आउट किया था। और लास्ट लेक्चर में हमने क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड के क्या क्या फेज है, कितने सारे एजेस है, क्यूब में कितने फेज है, क्यूब के फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या, ये सारे कुछ हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। और साथ में प्रैक्टिस सेट नंबर 47 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया था। आज हम लोग जो रह गए क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करने वाले। एंड आई होप आप पूरे अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस लेक्चर में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरा वीडियो देखोगे। और जो भी बच्चे हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के एक शॉर्ट इंट्रो के बाद में हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के जो रह गए क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। जाकर सारी वीडियो को आप लोग लेक्चर वाइज देख सकते हैं। और मैं आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल पर मेजर ऑफ आर चार्ज होता है और ये नंबर पर तो आइए बच्चों, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने कंप्लीट किया था, जहां पे हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला लगा करके हमें टोटल सरफेस निकालना था। ओके, हमें यहां पर अब देखोगे क्वेश्चन में तो आपको बोला गया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड फाइंड आउट करना है, जिसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दिया गया है। ओके, सो यहाँ पर आप लोग कंसिडर कर लोगे, सबसे पहला लेंथ 12 सेंटीमीटर ले लो, देन ब्रेथ ले लो 10 सेंटीमीटर, और हाइट ले लो। हाइट ले लो कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। ओके, तो नाउ नेक्स्ट, आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड आपको फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला यूज कर लो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। सो आई होप बच्चों सबको फॉर्मूला पता होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का। 2 in bracket में LB प्लस BH प्लस HL, या LH भी लिख सकते हैं, आगे पीछे चलेगा, HL बोलो या LH बोलो। ओके, सो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू 2 in bracket में LB, L कितना है बच्चों यहाँ पे, 12 है, B कितना है, 10 है, तो मल्टीप्लाई बाय 10। फिर प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन डाल दो। ओके, यहाँ पे मैं इसको प्लस कलर चेंज कर देता हूँ। अभी B इंटू एच करना है, B इंटू एच, B कितना है भाई, 10 है, मल्टीप्लाई बाय H कितना है, 5। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस साइन डाल दो। H कितना है बच्चों, अगेन H है 5, और मल्टीप्लाई बाय L कितना है यहाँ पर, 12। ओके, ये कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू 2, एज इट इज रहने दो, ब्रैकेट ओपन, 12 10 जा कितना आएगा बच्चों, 120 आएगा। फिर अगेन प्लस का साइन पुट कर दो, 10 5 जा कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 50 आएगा। अगेन ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे पुट कर दो, 12 5 का कितना आएगा, 60 आएगा। ओके, सो ये हो गया आपका। नेक्स्ट 2, इन सबको, तीनों को ऐड कर दो। देखो 120 प्लस 50 करेंगे तो 170 होएगा, 170 प्लस 60 करेंगे तो बच्चों 230 आएगा, 230। सो 2 को 230 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आपको आंसर मिल जाएगा 460। और यूनिट जो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, cm². ओके, सो इस तरह से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही इजी था, कैलकुलेशन भी इसके बहुत ही आसान थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगेन यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज गिवन। सो लेंथ कितना है लिख लो, 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। और साथ में हाइट जो है वो है 1.4 सेंटीमीटर। ओके, ये देकर रखा है। हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या है, फॉर्मूला अगेन लिखना है आपको फिर से। 2 in bracket में LB है, देन प्लस BH है, फिर प्लस HL है, ये फॉर्मूला है आपका। ओके, सो जस्ट हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे 2 लिखना है, ब्रैकेट ओपन, LB, L देखो L कितना है यहाँ पे, 5, 5 मल्टीप्लाई बाय B कितना है,
3.5, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन पुट कर दो। BH कितना है 3.5 है मल्टीप्लाई बाय H कितना है 1.4, फिर से यहाँ पे प्लस का साइन है HL कितना है 1.4 मल्टीप्लाई बाय L कितना है 5। ओके यहाँ पे ब्रैकेट्स को क्लोज कर दो। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज रहने दो, यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो जरा 5 5 25 5 2 5 3 15 16 17, तो आपको आंसर आएगा यहाँ पे 17.5। नेक्स्ट आएगा प्लस, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन पुट कर दो, 3.5 को 1.4 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1.4, 4 5 20, यहाँ पे 0 लिखना 2 कैरी, 4 3 12 12 प्लस 2 कितना आएगा 14, यहाँ पे अगेन एक 0, 1 5 5 आ जाएगा, 1 3 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4। ओके पीछे से दो नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट पुट कर देना, तो क्या आ गया आपका आंसर 4.90, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 4.90। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है 1.4 × 5, तो प्लस का साइन पुट करो यहाँ पे। ओके तो देखो 14 5 वैसे तो 70 आएगा, देखो 5 4 20 02, यहाँ पे 7.0। ओके मतलब 7 आ जाएगा, 7 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट इसको रफ कर देता हूँ, ये सबको ऐड कर लो जरा, देखो कितना है 17.5 है, देन 4.90 क्या करो, ऊपर एक 0 बढ़ा दो, डेसिमल पॉइंट है ना, तो इसके आगे हम लोग कितने भी 0 लगा सकते हैं, यहाँ पे 7.0 है तो 7.00 कर लो, अभी सबको ऐड कर लो, यहाँ पे 0, 9 प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा, 1 कैरी कर लो, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 1 15 15 प्लस 4 क्या आएगा 19, 1 कैरी, तो यहाँ पे आ गया 29.40, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, तो एज इट इज लिखना है 2 और 29.40, अगेन इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे 20 0 2 4 8 आएगा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट कर दो, 2 9 18, 1 carry 2 2 4 यहाँ पे 5, तो आ जाएगा आपको आंसर यहाँ पे फाइनल मिल गया 58.80, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 58.80, ये क्या था सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, आप फटाफट जल्द से जल्द, आपको अगर लगता है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो बचे हुए दो क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं अभी। तो चलिए अभी हम लोग लास्ट के दो क्वेश्चन करते हैं। अगेन यहाँ पर आपको लेंथ दे रखा है 2.5 मीटर, आपके टेक्स्ट बुक में वहां पे सेंटीमीटर लिखा है, तो बाय मिस्टेकली प्रिंट हुआ है, तो आप वहां पे सुधार कर सकते हो, वो मीटर कर देना। ब्रेथ है यहाँ पर आप लिखोगे 2 मीटर, और जो हाइट लोगे वो 2.4 मीटर ले लो। अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, तो फॉर्मूला तो ऑलरेडी लिखा है, सो यहाँ पर आपको इक्वल्स टू पुट करना है 2 एज इट इज रहने दो, एल इंटू बी, तो एल कितना है 2.5 मल्टीप्लाई बाय बी कितना है 2 है, फिर यहाँ पे प्लस साइन था तो प्लस पुट करना है, बी अगेन बी इंटू एच, बी कितना है 2 है मल्टीप्लाई बाय एच कितना है 2.4, फिर से प्लस साइन पुट कर दो, एच इंटू एल, एच कितना है बच्चों 2.4 मल्टीप्लाई बाय एल कितना है 2.5, सो ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट बस आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करते करते आपको निकालना है, यहाँ पे 2 एज इट इज लिखना है, ये तो इजिली मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2.5 को डबल करेंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा प्लस, ओके सो 2.4 का आपको डबल करना है तो क्या आ जाएगा 4.8 आ जाएगा, ये भी सिंपल है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2.4 और 2.5 का मल्टीप्लीकेशन कर लो, 5 4 20 0 2 carry, 5 2 10 11 12, यहाँ पे एक 0 लगा दो, 2 4 8 2 2 4, तो यहाँ पे 0 आएगा, 8 + 2 अगेन 10 आएगा, 4 5 6, तो कितना मिल गया बच्चों यहाँ पे 600, तो क्या करोगे पीछे से दो नंबर छोड़ के पॉइंट डालोगे, मतलब 6.00, तो यहाँ पर आप इसको कंसिडर कर लो 6 करके, ओके 6.0 चाहिए तो ले सकते हो इस तरह से, या 6 भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। यस नेक्स्ट स्टेप में अभी इन तीनों को ऐड कर लो आप जरा, 5 4.8, देखो 4.8 है, 5 है तो 5.0 लिखो और 6 है तो 6.0 लिखो,
ये ऐड किया तो 8 आएगा, 6 प्लस 4 10, ये 15, 15.8 आ रहा है, तो इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट में लिखेंगे 15.8, ओके। अब इन तीनों का 15.8 का मल्टीप्लीकेशन 2 से कर दो, तो क्या आएगा, 2 8 16, 1 कैरी, 2 5 10, 11, 1 कैरी, 2 1 2 और ये 3, तो 31.6 मिल रहा है, 31.6। यहाँ पे मीटर है तो आप मीटर स्क्वायर दे सकते हो, या फिर आप लोग स्क्वायर मीटर ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी यूनिट लगा सकते हो। अभी नेक्स्ट वन फोर्थ सम में देखो, अगेन आपको लेंथ कितना दे रखा है, यहाँ पर 8 मीटर है, फिर ब्रेथ आपका यहाँ पे 5 मीटर है, और जो हाइट आप लोग 3.5 मीटर ले लेना, ओके। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है यहाँ पर लिख दिया है मैंने, यहाँ पर जस्ट आपको सिर्फ वैल्यू को पुट करना है, 2 ब्रैकेट में L इंटू बी, एल कितना है बच्चों यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय बी कितना है यहाँ पे 5, फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन पुट कर दो, b इंटू एच, बी कितना है यहाँ पे 5 है मल्टीप्लाई बाय h कितना है 3.5, फिर प्लस साइन है h इंटू एल, h कितना है बच्चों यहाँ पे 3.5 और इंटू l कितना है 8 है, यस ये हो गया आपका कंप्लीट, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। सो नेक्स्ट यहाँ पे 2 लिखा मैंने, इसका मल्टीप्लीकेशन तो आसान है, 8 5 40 आ गया, प्लस साइन यहाँ पे कितना आएगा भाई 5 5 25 5 5 25 5 2 5 3 15 16 17 17.5 आ रहा है, ओके। और फिर प्लस, प्लस का साइन अगेन पुट करो, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, 8 5 40 यहाँ पे 4 कैरी, 8 3 24 28, तो क्या आ रहा है 28.0, यानी कि आप लोग सीधा 28 ले सकते हो। सो यहाँ पर इन तीनों को ऐड कर लो जरा, 40 17.5, यहाँ पे 40.0 लगा दो और 28.0 ऐसा लगा दो, यहाँ पे ऐड किया तो 5 मिलेगा, 7 प्लस 8 15 आ जाएगा, 1 कैरी, 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है 85.5 आ रहा है। सो 2 इन ब्रैकेट में 85.5, ओके। इसका मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो क्या आएगा 2 5 10, यहाँ पे 1 कैरी, 2 5 10 अगेन 1 कैरी, ओके, 2 5 10 यहाँ पे 11, तो 1 कैरी, 2 8 16 और ये 17, सो 171.0 मिल रहा है, तो आई कैन राइट 171 क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर। सो बच्चों काफी आसान सा ये क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है, आप लोग फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सो डैट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही सॉल्व करना है, जस्ट यहाँ पर जो है बस एक स्टेटमेंट फॉर्म में आपको क्वेश्चन बनाकर दिया गया है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 में था वहां पर आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया गया था, ओके। सो आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्मूला यूज किया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, वही सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पर भी यूज करना है। देख लेते हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते, बोला गया कि मैच बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 1.5 सेंटीमीटर हाइट, ओके। सो यहाँ पे आप लोग को लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखा है, तो लेंथ आप लोग को दिया गया 4 सेंटीमीटर, फिर आपको ब्रेथ दे रखा है आपको 2.5 सेंटीमीटर, देन आपको हाइट दे रखा है कितना 1.5 सेंटीमीटर। आपको बोला गया है कि ये जो मैच बॉक्स है उसके आउटर एंड से कवर करना है, आउटर एंड को आपको कवर करना है विद द क्राफ्ट पेपर। अब कितने पेपर की जरूरत लगेगी, सो इसके आउटर एंड को कवर करना है, डैट मीन्स आपको बोला गया है कि भाई टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड कितना होगा, ओके। क्योंकि अगर आउटर एंड को आपको क्राफ्ट पेपर से कवर करना है तो आपको फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ओके। सो देखो क्यूबॉइड जो होता है मैच बॉक्स है उसको 6 फेस रहेंगे, तो आपको 6 के 6 फेस को कवर करना है, ओके। सो 6 के 6 फेस को कवर करना है मतलब आपको टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो मैं यहां पर वही फॉर्मूला यूज करूंगा, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सो क्या आएगा फॉर्मूला टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का, यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे 2 इन ब्रैकेट में एल बी, फिर प्लस बी एच प्लस एच एल, ओके। ये है आपका फॉर्मूला।
सो नेक्स्ट यहाँ पर 2 लिखना है ब्रैकेट एल बी, एल कितना है देखो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय बी कितना है 2.5, देन अगेन प्लस साइन है तो प्लस साइन पुट कर दो, बी इन टू एच, बी कितना है बच्चों यहाँ पर देखो बी कितना है 2.5 और मल्टीप्लाई बाय एच कितना है 1.5, फिर से आपको प्लस साइन करना है प्लस एच इन टू एल करना है तो एच कितना है बच्चों यहाँ पर 1.5 मल्टीप्लाई बाय एल, एल कितना है यहाँ पर 4, ओके यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज। अभी सबको मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, 2.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर 10 मिल जाएगा, ओके सिंपल 10 पॉइंट आपको 0 मिलेगा, बट हम लोग क्या लिखेंगे 10.0 बोलो या 10 बोलो सेम होगा, ओके फिर उसके बाद देखो 2.5 का मल्टीप्लीकेशन कर लो फटाफट, 2.5 का मल्टीप्लीकेशन 1.5 के साथ कर लो, 2.5 और 1.5, 5 5 25, 5 यहाँ पे 2 कैरी, 5 2 10 11 12, एक 0 ले लो, 1 5 5 1 2 2, तो कितना आएगा 5 यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3, पीछे से 2 नंबर छोड़कर पॉइंट डाल देना, ओके ये तो आपको पता ही चल रहा होगा डेसिमल पॉइंट मैंने कैसे पुट किया, तो यहाँ पर फिर प्लस साइन लिखकर 2.5 इंटू 4 किया तो 10.0 आया, तो मैंने 10 ले लिया, प्लस यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 3.75, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो 3.75, फिर यहाँ पर प्लस साइन है प्लस साइन कर लो, ओके यहाँ पर 1.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल जाएगा 4 5 यहाँ पे 26.0 आएगा अगेन, ओके सो आप यहाँ पे 6 लिख सकते हो, सिंपल है, ओके सो मैं यहाँ पे 6.0 को हटा करके 6 डाल दिया। नेक्स्ट यहाँ पर अब इन तीनों को ऐड कर लो, ये ऐड करना है तो देखो यहाँ पर 10 है फिर 3.75 और 6 है, यहाँ पे सबके जगह पे डेसिमल पॉइंट ले लो ऐसा, क्योंकि 3.75 था तो क्या करो 10 था तो 10 के बाद पॉइंट डालो और 2 0 डाल दो, यहाँ पे 6 था तो 6 के बाद पॉइंट डालो और 2 0 डाल दो, इन तीनों को ऐड कर दो जरा, यहाँ पर 5 आएगा यहाँ पे 7 आएगा, 6 + 3 कितना आएगा 9 आएगा और यहाँ पे 1, तो कितना मिल रहा है आपको 19.75, तो 2 यहाँ पे ब्रैकेट में 19.75 लिखेंगे, तो इज इक्वल्स टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो जरा कितना आएगा देखो 2 5 यहाँ पर 10 1 कैरी, 2 7 14 15 यहाँ पे 1 कैरी, 2 9 18 ये 19 1 कैरी, 2 1 2 और ये 3, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है 39.50, 39 पॉइंट क्या आएगा 50, क्या लिखोगे ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सो इसका मतलब आपको टोटल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का पेपर की जरूरत पड़ेगी आपको 39.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, देयरफॉर टोटल पेपर रिक्वायर्ड, टोटल पेपर रिक्वायर्ड टू कवर the matchbox is कितना लगेगा आप यहाँ पे लिख दो 39.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके सो ये रहा आपका फाइनल आंसर, फटाफट नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चों ले लो स्क्रीनशॉट, और फिर अभी हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो हम लोग देखते हैं। तो आइए बच्चों अभी हम लोग इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट सम और बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार सम हम लोग देखने वाले हैं, क्या दे रखा है क्वेश्चन है काफी बड़ा बट है इजी, ओके थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरह का है, हम लोग रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को समझते पहले, क्या दिया गया है एन ओपन बॉक्स ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर एंड हाइट 1 मीटर इज टू बी मेड फॉर यूज ऑन अ ट्रॉली फॉर कैरिंग द गार्डन वेस्ट। देखिए आपने भी देखा रहेगा कि जो गार्डन वेस्ट है ओके मतलब जो भी ट्रॉली वगैरह रहता है वो ट्रॉली कैसा रहता है उसको टोटल 5 फेज रहेगा, वैसे क्यूबॉइड को टोटल 6 फेज होता है बट जो ट्रॉली रहता है कभी भी वन साइड से ओपन रहता है, तब भी तो आप लोग उसमें जो है कचरा को आप लोग पुट करोगे, जो वेस्ट रहेगा उसको आप उसमें पुट कर पाओगे, तो टोटल उसको 5 फेसेस रहते हैं बरोबर ना, तो हमें बोला गया कि एक वेस्ट कैरी करने के लिए ट्रॉली बनाना है, तो उसको बनाने के लिए कितने शीट मेटल की जरूरत पड़ेगी, कितने शीट मेटल की जरूरत पड़ेगी इस बॉक्स को बनाने के लिए, ओके तो इस बॉक्स को बनाने के लिए मुझे टोटल 5 फेस की जरूरत पड़ेगी, ओके 5 फेस की जरूरत पड़ने वाली क्योंकि टोटल जो क्यूबॉइड है वो तो 6 फेज रहता है बट एक तरफ से ये ओपन रहना चाहिए, ओके लेट अस टेक ये जो पार्ट है ना ये पार्ट ओपन है, यहां से ओपन है, ये
ये पार्ट ओपन है इसका, ओके। सो इसका लेंथ क्या होगा, ये लेंथ रहेगा, ओके। अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ रहेगा और यहाँ पर ये भी लेंथ रहेगा, ये भी लेंथ रहेगा। इसको अगर मैं ब्रेथ ले रहा हूं तो ये भी क्या रहेगा, ये ब्रेथ रहेगा। ये हाइट अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं यहाँ पर, ओके। सो लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमने कंसिडर कर लिया। सो मुझे देखो, मुझे क्या बोला गया है कि एक ट्रॉली बनाना है गार्डन वेस्ट कैरी करने के लिए। तो गार्डन वेस्ट कैरी करने के लिए जो मैं ट्रॉली बनाऊंगा, ओके, उसमें मुझे कितने मेटल शीट की जरूरत पड़ने वाली, ये हमें फाइंड आउट करना है, ओके। सो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करूंगा। आपने भी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज किया है, ओके। और उसमें से क्या करना, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड रहेगा वो क्या रहेगा, पूरा सम रहेगा ऑफ ऑल द सिक्स फेसेस। है कितने फेसेस यहाँ पे बच्चों, सिक्स फेसेस है। तो छह के छह फेसेस को सम करेंगे तो मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड मिल जाएगा। बट मुझे फेस, कितने फेस की जरूरत पड़ने वाली है, फाइव फेस। एक फेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये टॉप वाले फेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से समझो आप लोग, ये गार्डन वेस्ट कैरी करने के लिए एक ट्रॉली बना रहे हो तो वो एक तरफ से तो ओपन रहेगा, तब भी तो उस बॉक्स में आप लोग डस्ट वगैरह पुट कर पाओगे, ओके। तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जो टॉप वाला जो ये है, मतलब क्या कहते हैं उसको, ढक्कन, वो ओपन है, ओके। बाकी चारों पांचों साइड से वो क्लोज्ड है। पांच साइड कौन सा होगा, देखो ये डाउन साइड है, ओके, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है और एक बैक साइड है और एक फ्रंट साइड है। तो पांच साइड से वो क्लोज है, खाली एक तरफ से ऊपर से वो ओपन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करेंगे और उसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये वाले का एरिया को हम लोग निकाल देंगे। इस एरिया को निकालने के लिए देखो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड का 2lb + bh + hl, ओके। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। और मैं माइनस कर दूंगा ये जो मैं फॉर्मूला यूज कर किया हूं ना, ये फॉर्मूला क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज द सम ऑफ ऑल द सिक्स फेसेस। मतलब पूरे छह के छह फेस का अगर मैं सम करूंगा तो ये फॉर्मूला बनता है। छह के छह फेस का अगर सम करके मैं एरिया निकालता तो ये फॉर्मूला बनता है। तो उसमें से मैं क्या करूंगा, एक एक जो है, मतलब एक फेस जो है ना, टॉप वाला फेस, उसको मैं माइनस कर दूंगा। तो टॉप वाला फेस का जो एरिया रहेगा वो लेंथ इनटू ब्रेथ से आएगा, तो मैं माइनस कर दूंगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया। देखो क्वेश्चन में आपको बोला गया था कितना मेटल शीट की जरूरत पड़ने वाली है, ओके। तो आपका ये जो टॉप वाला फेस है वहां पे तो कोई भी मेटल शीट की जरूरत नहीं पड़ने वाली, वो तो ओपन रखना है। तो कवर कितने फेस को करना है आपको, टोटल फाइव फेस को कवर करना है। वैसे टोटल कितने फेज होते हैं क्यूबॉइड को, सिक्स। अगर पूरा क्लोज्ड करोगे तो छह फेजेस का लगेगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगेगा, ओके। ये पूरा छह फेज को प्लस करोगे ना तो ये फॉर्मूला आता है, ओके। अभी हमें फाइव फेज की जरूरत है क्योंकि एक फेज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो यहाँ पे एक फेज को हम लोग माइनस कर दे रहे, तो आपको इससे आंसर मिल जाएगा, ओके। तो अभी हम लोग वही यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले। सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, लेंथ कितना दिया गया, देखो लेंथ है 1.5 मीटर का। लेंथ बच्चों कितना दिया है, 1.5 मीटर का। फिर ब्रेथ आपको दे रखा है कितना, 1 मीटर का है। फिर आपको हाइट भी दे रखा है 1 मीटर का, ओके। सो आपको बोला गया है कि कितने मेटल शीट की जरूरत पड़ने वाली है। सो हाउ मच मेटल शीट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स, ओके। सो हम लोग बोलेंगे द मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स, द मेटल शीट रिक्वायर्ड to make this box is equals to, कैसे हम लोग बनाया फॉर्मूला, यहां पर ये फॉर्मूला मैंने बताया। सो टू इन ब्रैकेट में lb + bh + hl, ओके। ये आ गया, ये टोटल कितने हो गए, सिक्स फेसेस हो गए, ओके। ये जो मेटल बॉक्स है, ओके, जो बॉक्स जो बन रहा है इसको टोटल कितने फेस है बच्चों, सिक्स फेस है। बट हमें टोटल कितने फेस जरूरत लगेगा, टोटल फाइव फेस की जरूरत लगेगा क्योंकि एक फेस एक तरफ से तो ओपन रहना चाहिए। तो ये जो टॉप वाला फेस है इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, तो टॉप वाला फेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं। तो माइनस कर रहे, तो ये फेस को अगर मैं निकाल रहा हूं तो इस फेस का एरिया क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ रहेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ लिखने वाला, ओके। अब देखो यहाँ पर आप लोग वैल्यू पुट करो, टू लिखा यहाँ पे, लेंथ कितना है 1.5 मीटर, इनटू ब्रेथ कितना है 1, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस पुट कर दो, ब्रेथ इनटू हाइट, ब्रेथ कितना है बच्चों यहाँ पे 1 है और हाइट भी कितना है 1 मीटर का, फिर से ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर दो, हाइट कितना अगेन 1 मीटर का है और लेंथ कितना है 1.5 मीटर का है,
ये क्लोज्ड हो गया। फिर माइनस माइनस आप लोग करो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ कितना है अगेन 1.5 मीटर इनटू ब्रेथ कितना है 1। ओके सो नेक्स्ट स्टेप में यहां पर 2 आ गया, 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 आएगा। फिर ये प्लस साइन था यहाँ पे प्लस लिख दो, 1 इंटू 1 किया तो बच्चों 1 मिलने वाला है। फिर से प्लस साइन था यहाँ पे प्लस पुट कर दो, 1 इंटू 1.5 किया तो बच्चों हमें 1.5 मिलेगा। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर ये जो माइनस साइन था यहाँ पे मैं माइनस साइन पुट कर रहा हूँ, 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1.5 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 2, अब देखो 1.5 और 1.5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर ये प्लस ओके 1, सो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 3 + 1। कैसे मैंने किया 1.5 1.5, ये जो 1.5 1.5 था ये 3 लिख दिया और ये +1, सो यहाँ पर आ गया 4। ओके 4 आ गया और 4 2 8, तो यहाँ पर 3 + 1 4 आ गया और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 8। तो 8 क्या आया यहाँ पर, सॉरी 8 आया यहाँ पर। अभी माइनस भी करना है ना, हमने माइनस नहीं किया यहाँ पर, -1.5 और -1.5, तो यहाँ पर आपको -1.5 भी करना है ना। तो फाइनल आंसर आएगा 8 में से 1.5 जाएगा तो आपको मिलेगा 6.5। 6.5 क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ओके सो यहाँ पर ये जो -1.5 था यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना था। ओके सो आपको कितने मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी, ओके टोटल 6.5 मीटर स्क्वायर की मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी। अब बोला गया है कि देखो द इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ द बॉक्स इज टू बी पेंटेड, देखो अंदर से और बाहर से ओके उसको क्या करना है, पेंट करना है। और पेंट करने का जो खर्चा है ना वो बोला गया 150 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ओके टोटल जो खर्चा है ओके सो उसको पेंट करना है। अभी हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ दिस बॉक्स इज टू बी पेंटेड। ओके सो एट द रेट ऑफ 150 रुपीज पर मीटर हाउ मच विल इट कॉस्ट, सो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कॉस्ट रिक्वायर्ड टू पेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ दिस बॉक्स इज मतलब इज इक्वल्स टू कितना लगेगा। देखो ये सिर्फ इनसाइड का है 6.5 और आउटसाइड भी सेम रहेगा उतना ही, इनसाइड प्लस आउटसाइड हम लोग बोलेंगे इनसाइड प्लस आउटसाइड मतलब इनसाइड का एरिया और आउटसाइड का एरिया, इनसाइड का एरिया और आउटसाइड का एरिया को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, क्योंकि पर स्क्वायर मीटर कितना भाई खर्चा कितना, 150 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का खर्चा है। ओके सो इनसाइड एरिया प्लस आउटसाइड एरिया चाहिए तो यहाँ पे आप लिख दो इनसाइड एरिया प्लस ये आउटसाइड एरिया है उसको मल्टीप्लाई बाय 150 कर देना है। तो इनसाइड एरिया कितना है भाई यहाँ पर देखो, इनसाइड एरिया 6.5 है, आउटसाइड भी एरिया उतना ही रहेगा 6.5 रहेगा, उसको मल्टीप्लाई बाय 150 से कर दो। ओके सो 6.5 6.5 13 आ जाएगा, 13 × 150 हो जाएगा। ओके सो यहाँ पर 15 × 13 करके देख लो, 15 × 13 सो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 15 × 13 करने से यहाँ पे कर दे रहा हूँ 15 × 13, तो 3 5 यहाँ पर 15 आया, 1 कैरी 3 1 जा 3 और ये 4, यहाँ पे 0 1 5 5 1 1 जा 1, यहाँ पे 5 9 और यहाँ पे 1 और एक 0 एक्स्ट्रा लगा दो, तो 1950 आ गया है 1950। ओके इसको क्या लिखोगे, रुपीज, 1950 क्या आएगा, रुपीज। ओके सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझा तो आप लोग एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, इजली वे में आपको समझ में आ जाएगा। ओके सो यहाँ पे फटाफट आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, और फिर हमारा लेक्चर भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, ये लेसन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। आने वाला जो नेक्स्ट लेसन रहेगा पाइथागोरस थ्योरम रहेगा, उसका भी वीडियो में जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा, बट अभी के लिए जो आपका एग्जाम में जो लेसन रहेगा वो यहीं तक रहने वाला है। तो आप अगला जो चैप्टर रहेगा मैं उसको भी जल्द से जल्द अपलोड करूंगा वहां तक। ओके सो अगर आप हमारे लेक्चर में बने हो तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस यहीं पे एंड अप करता हूँ दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में, तब तक ले बाय बाय एंड सी यू अगेन।